फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आलू प्याज की भरमा कचौरी कैसे बनाई जाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ये आलू और प्याज की भरमा कचौरी कैसे और किस तरह बनाई जाएगी। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को अपनी गैस पर रख लेते हैं और अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने ऑयल में डालेंगे थोड़ी सी राई। आपको राई सिर्फ इतनी ही लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, और राई के साथ डालेंगे थोड़ा सा धनिया, जो कि हमने साबुत धनिया लिया हुआ है। अब हमें इसे हल्के से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू को चूरा करके डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारे बेसन में अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती, तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे बेसन पक चुका है और इसका कलर काफी चेंज हो चुका है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। जब आपके बेसन में अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बेसन अच्छे से पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आलू और बेसन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिर्फ दो आलू लिए हुए थे, जो कि मध्यम साइज के थे। और अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें प्याज डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसका कलर चेंज करने के लिए। पहले हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से हिला देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ताकि ये खट्टी मीठी और स्वादिष्ट बन जाए। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये इतनी सूखी नहीं रहे और आपका ये मसाला काफी अच्छा बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम अपने मसाले को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 500 ग्राम मैदा लिया हुआ है। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में बेटर हो या बहुत रहे। इसमें हमारी 10-12 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लूंगी। मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अजवाइन ली है। मैं इसे बारीक पीस कर इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ सके। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। देखिए, हम इसमें 2 स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जो कि मैंने 1 कप लिया हुआ है। हमें अपना बहुत ही अच्छा डो तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका एक डो तैयार कर लिया है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसकी किस तरह की कंडीशन बनानी है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और इस पर हल्की सा चिकना लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह की इसकी कंडीशन करनी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि हमारा डो अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कचौरियों के लिए मिक्सचर बनाया था वो रेडी हो चुका है और काफी ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे गोले बना लूंगी। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ हमें किस टाइप के गोले बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाने हैं हमें इस तरह की, देखिए। और इन्हें बनाकर एक खाली प्लेट में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने मिक्सर के सभी गोले बना लिए हैं। जो हम अपने कचौरी के अंदर भरेंगे वो ये मसाला है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैदा सेट हो चुका है। हमने इसे 15-20 मिनट के लिए रख दिया था अपने डो को। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस प्रकार इसकी लोइयां बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सभी ये लोइयां बना ली हैं और अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। और उसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक चकले की। इसे हम थोड़ा चिकना कर लेते हैं। हमने इसे इतना बड़ा लिया है और अब हम इसके अंदर अपना बना हुआ मसाला रख देते हैं और इसे इस तरीके से इसे ऐसे बंद कर देते हैं। आपको इस प्रकार अपनी कचौरी बनानी है। अब मैं इसे अपनी कढ़ाई के अंदर डाल के दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे अपनी कचौरियों को छोड़ देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमें पूरी अच्छी तरह से नहीं सेकनी है, ये हमें थोड़ी कच्ची निकालनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, देखिए एक बार इसे ऐसा करके निकाल लीजिएगा। सभी कचौरियों को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और जो पहले हमने कचौरियां निकाली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि इन्हें काफी टाइम लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें सेकने में 15 मिनट लगेगी। आप देख सकते हैं हमें इसी तरह इन्हें सेकना है। फ्रेंड्स, ये कचौरी बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती हैं। अगर आप इन्हें अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, हमें इन्हें लो फ्लेम पर पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कचौरियाँ फूल भी चुकी हैं, कुछ नहीं फूली हैं और कुछ में काफ़ी बबल्स भी आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ हल्की ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। हमें अपनी कचौरियाँ ऐसी ही सेकनी हैं, ज़्यादा इन्हें नहीं सेकेंगे। यह काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बन चुकी हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे निकाल लेंगे। देखिए हमारी सभी कचौरियाँ फूली हुई हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए यह फूटी हुई भी बिल्कुल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी हुई हैं। हम सभी कचौरियों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छी सिकी भी हुई हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आपको इनमें से तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इन्हें आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई हैं और ये क्रिस्पी भी बहुत बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह कचौरियाँ घर पे बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।